नमस्कार दोस्तों, मैं बिमल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल स्वास्थ्य क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग पर्यावरण विषय का अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियोस में हमने पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन किया था। उसी क्रम में हम लोग आज फिर से कुछ लगभग 15 महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला तथ्य क्या है। ठीक है दोस्तों, हमारा पहला तथ्य है कार्बन मोनोऑक्साइड को दमा घोंटू गैस की संज्ञा दी जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड को दमा घोटू गैस की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों, काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों, इसका सूत्र CO होता है, इसको दमा घोटू गैस की संज्ञा दी जाती है। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है गाजर घास से चर्म रोग व दमा रोग हो जाता है। दोस्तों, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न, पूछा भी गया है। ठीक है, तो गाजर घास, दोस्तों जो गाजर घास होती है उसका एक अन्य नाम है पार्थेनियम। दोस्तों, ये इसका नाम क्या है तो आप ध्यान में रखेंगे, पार्थेनियम, या जो है पार्थेनियम के नाम से भी पूछा जा सकता है। दोस्तों, पार्थेनियम को गाजर घास कहते हैं और इससे चर्म रोग और दमा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यह जो पार्थेनियम था, गाजर घास, दिखने में गाजर के पौधे जैसा दिखता है और यह अमेरिका से आयात किए गए गेहूं के बीज के साथ भारत में आया था। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। तीसरा दोस्तों, तीसरा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है हमारा, भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक आर्सेनिक व फ्लोराइड हैं। दोस्तों, ये भी काफ़ी पूछा जाता है क्यों भारत में कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर भूमिगत जल के जो स्रोत हैं उपलब्ध, उनमें आर्सेनिक की मात्रा कभी कभी ज़्यादा हो जाती है या कहीं पर फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो दोस्तों, इनसे, इनकी मात्रा अधिक होने से रोग होने का खतरा रहता है। ठीक है, तो आप लोग लिखते चलेंगे और इस जिन दोस्तों को आवश्यकता है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद हम इसको इरेज करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, 2 सेकंड का आपके पास टाइम है, 3 पॉइंट हो चुका है हमारा। आइए दोस्तों, हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। हमारा चौथा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है स्वच्छ भारत अभियान दो अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया। तो दोस्तों, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपका। ठीक है, इस पे ध्यान देंगे आप लोग, नोट करेंगे। दोस्तों, ये जो स्वच्छ भारत अभियान है, भारत को स्वच्छ करने के लिए, भारत को प्रदूषण रहित, भारत में जो भी स्रोत हैं, वृक्ष, जलाशय, इन सबको, पर्यावरण में जो भी उपलब्ध हैं पर्यावरणीय संसाधन, इनको जो है प्रदूषण से मुक्त करने के लिए चालू किया गया था। दोस्तों, जो ये अभियान था, इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था। ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर इसको शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान में रखेंगे, ये पिछले एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है अन्य स्टेट में। ठीक है, आइए अपना अगला फैक्ट देखते हैं। पांचवा फैक्ट है हमारा, पांचवा इम्पॉर्टेंट जो तथ्य है वो है दोस्तों, गेया परिकल्पना के प्रतिपादक जेम्स लेवलॉक हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या है गेया परिकल्पना, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा। ठीक है, तो जो गेया परिकल्पना है दोस्तों, यह जो है पर्यावरण से संबंधित एक परिकल्पना है। ठीक है, इसके जो प्रतिपादक हैं वो जेम्स लेवलॉक हैं। ठीक है दोस्तों, ये गेया जो है यूनानी शब्द है, या यूनान की देवी के नाम से लिया गया। ठीक है, यूनानी देवी के नाम से यह गेया शब्द लिया गया है। आइए दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं। हमारा 6th पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट नंबर 6। ठीक है, केंद्रीय मृदा लवणता
केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ ब्रैकेट में हरियाणा लिख दिया है। ठीक है, तो दोस्तों जो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान है, इसमें क्या होता है, इसमें मिट्टी की जांच की जाती है। मतलब मिट्टी अम्लीय है, मिट्टी क्षारी है, मिट्टी में फसल की उत्पादकता कैसी होगी, ज़्यादा होगी या कम होगी। ठीक है, तो यह संस्थान कहाँ है दोस्तों, तो करनाल में स्थित है और हरियाणा स्टेट में। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नोट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों हम लोग सातवां हमारा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, काले हिरण राजस्थान राज्य में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को पता होगा काले हिरण जो हैं ये राजस्थान राज्य में पाए जाते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अन्य राज्यों में जो भी हिरण पाए जाते हैं वह काले रंग के नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए अगला पॉइंट देखते हैं। हमारा आठवां महत्वपूर्ण तथ्य है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में पास हुआ। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, ये आपका आठवां नंबर। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में पास हुआ। दोस्तों कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछ लेता है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ, तो आपका ये विकल्प दिया रहेगा 1970, 72, 75 या 80। ठीक है, तो चार में से आपको 72 पे टिक करना होगा और आपका नंबर मिलेगा, आपको सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वन्य जीवों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत में सरकार ने लागू किया भारत में। ठीक है, तो यह जो है जंतुओं की खरीद फरोख्त को, उनकी जो अवैध बिक्री है उसको प्रतिबंधित करता है। हाथी दांत के जो बिक्री होती है उसको अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में उसको प्रतिबंधित करता है। ठीक है, ऐसे ही अन्य तमाम जंतुओं का जो अवैध व्यापार होता है उसको प्रतिबंधित करने के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पास किया गया। आइए अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। हमारा नौवां जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो है विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान येलो स्टोन पार्क है। ठीक है दोस्तों, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने अपने हिंदुस्तान में, अपने भारत में जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिम कार्बेट नेशनल पार्क, उसकी चर्चा हमने किया था। यहाँ पर ये विश्व की बात हो रही दोस्तों, संसार की बात हो रही। तो जो विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान था दोस्तों वो येलो स्टोन पार्क था और वो कहाँ पर है दोस्तों, तो ये USA में था। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। हमारा दसवां महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, सारे पॉइंट जो हैं, सारे तथ्य काफ़ी महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। जो विश्व जल दिवस है, या जो है दुनिया में जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए, दुनिया में जो उपलब्ध जल है उसकी मात्रा को बचाए रखने के लिए, जल को संरक्षित करने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए, यह जो है इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और जो दोस्त नोट करें नोट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आइए हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। हमारा 11वां महत्वपूर्ण तथ्य है टुमारोज़ बायोडाइवर्सिटी। दोस्तों यह एक पुस्तक का नाम है। ठीक है, दो टुमारोज़ बायोडाइवर्सिटी पुस्तक की लेखिका वंदना शिवा हैं। ठीक है,
हमारे सारे दोस्त नोट करते हुए चलेंगे। सारे पॉइंट बेहद ही इम्पॉर्टेंट हैं टेट सीटेट या अन्य राज्यों के टेट की परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, यह एक पुस्तक का नाम है टुमारोज बायोडाइवर्सिटी। दोस्तों यह पुस्तक जो है एनवायरनमेंट पर आधारित है, पर्यावरण पर, और इसकी लेखिका कौन है तो वंदना शिवा है। तो हम लोग अपना 12वां पॉइंट देखते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है महत्वपूर्ण तथ्य 12वां। ठीक है, तो 12वां क्या है दोस्तों, चिपको आंदोलन के प्रणेता दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था पर्यावरण के क्षेत्र में, सुंदरलाल बहुगुड़ा थे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन ये भी है कभी कभी एग्जाम में। दोस्तों चिपको आंदोलन क्या था, तो चिपको आंदोलन में जो वहाँ की जनता थी लोकल की, वो पेड़ों को काटने से बचाने के लिए पेड़ों से आलिंगन करके चिपक जाते थे। ठीक है, तो पेड़ों को करने से बचाने के लिए आंदोलन था, और इसके जो प्रणेता थे वो सुंदरलाल बहुगुड़ा थे। ठीक है दोस्तों, कभी कभी एग्जाम्स में सुंदरलाल बहुगुड़ा के स्थान पर चंडी प्रसाद भट्ट का नाम दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चंडी प्रसाद भट्ट, तो आप लोग इनका भी नाम याद रखेंगे क्योंकि इनके ये सहयोगी थे, इनका नाम भी कभी कभी आ जाता है। वैसे जो इसके प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुड़ा ही थे। आइए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, हमारा 13वां महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, देश का पहला बायोडीजल संयंत्र तमिलनाडु में स्थापित किया गया। दोस्तों आप लोग नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों बायोडीजल का मतलब होता है प्लांट से डीजल बनाना। ठीक है, स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने सेंटेंस को पूरा कर दिया है, किया गया है। बायोडीजल का मतलब दोस्तों जो प्लांट से डीजल पेट्रोलियम उत्पाद को बनाना। दोस्तों यह तमिलनाडु के एक स्थान है, तमिलनाडु में दोस्तों काकीनाडा, ठीक है, काकीनाडा, तो ये काकीनाडा में स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, आप लोग आगे बढ़ने से पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों हम लोग अपना अगला पॉइंट देखते हैं, 14वां महत्वपूर्ण फैक्ट है, जब कोई जंतु या पादप अपने आवास में पचास वर्षों तक ना देखा जाए तो उसे विलुप्त मान लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम्स में यह आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है, इस फैक्ट के अनुसार हम देख रहे हैं कि जब कोई भी जंतु या पादप अपने प्राकृतिक आवास में, यानी कि जहाँ पर वो रह रहा है, ठीक है, आवास में अगर 50 वर्षों तक वो ना देखा जाए तो उसे विलुप्त मान लिया जाता है, उसे विलुप्त की संज्ञा, यानी कि वो धरती से समाप्त हो गया। ठीक है, विलुप्त मान लिया जाता है दोस्तों। हमारा अगला पॉइंट है 15वां और लास्ट, दोस्तों आज का लास्ट महत्वपूर्ण जो फैक्ट है देखते हैं। आइए, भूतल पर आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं की संख्या सर्वाधिक है। दोस्तों ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके पर्यावरण सेक्शन में। ठीक है, तो ये भूतल का मतलब आप सबको पता होगा, भूतल का मतलब होता है पृथ्वी तल। ठीक है, भू का मतलब पृथ्वी होता है, तो पृथ्वी तल यानी कि हमारे धरती पर। ठीक है, आर्थ्रोपोडा दोस्तों यह एक फाइलम है, एक संघ है जिसमें कि इंसेक्ट को, मतलब आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है दोस्तों ज्वाइंट अपेंडेजेस। ठीक है, इसका मतलब होता है कि वे जंतु जिनका शरीर
के सारे जोड़ दिखते रहते हैं ना, जिनके शरीर के सारे जोड़ दिखते रहते हैं। जैसे आप कीट पतंगों में देखिए तो उनके पंख, उनके पैर शरीर से अलग से जुड़ते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा का मतलब ये होता है ज्वाइंट अपेंडेजेस, यानी कि इस संघ में ऐसे जंतुओं को रखा गया है जिनके शरीर के अंग उनके शरीर से जुड़ते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इन इसी संघ के जंतुओं की संख्या पृथ्वी तल पर सर्वाधिक है, मतलब इसी संघ के जंतु धरती पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। दोस्तों जैसे इसका एक क्लास है, आर्थ्रोपोडा का एक क्लास है जिसका नाम है इंसेक्टा, ठीक है। जिसका नाम क्या है दोस्तों? इंसेक्टा। इंसेक्टा आप देख सोच रहे होंगे इंसेक्टा क्या है, तो इंसेक्टा जो है इंसेक्ट से बना हुआ है ना, यहाँ पर इंसेक्ट, इंसेक्ट का मतलब होता है दोस्तों कीट, आपको पता भी हो सकता है इंसेक्ट का मतलब क्या है, कीट। तो दोस्तों इंसेक्टा में दुनिया भर के कीट पतंगों को रखा गया है ना, दुनिया भर के कीट पतंगों को रखा गया है। तो दोस्तों आप समझ सकते होंगे कि दुनिया में कीट पतंगों की संख्या कितनी है, मानव से कई गुना, या और जो भी जंतु हैं जितने भी संघ में रखे गए उनसे कई गुना ना। तो ठीक है, आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं की संख्या भूतल पर सर्वाधिक है, ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, जय हिंद।